सरदार परविंदर सिंह जी, आज के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। प्रकाश पर्व हम सब के जीवन में गुरु कृपा से इसी प्रकार का प्रकाश पहुंचाता रहे, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर इस पावन गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था, और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला यह हर व्यक्ति जानता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, चूंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। एक पक्ष साधना का है, भक्ति के माध्यम से साधना का पक्ष, और दूसरा पक्ष जो लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं, पूरी निर्भकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। बोले जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहे, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे यह तो हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है, जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह
करता उधरी उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाश प्रकाष्ठा को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि 19 नवंबर को हमें इस लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खालसा चौक ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कवि भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके चार चार साहबजादों ने, क्या उम्र थी, ये उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए, उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके दो छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवाल पे चिनवा लिए गए। दो पुत्रों ने साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुजार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और यह हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रेरणा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया ऊर्जा का स्रोत बनता है। और ये मेरा सौभाग्य है गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को, कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला, 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ, और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है, सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। इतिहास केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था, बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे,
तब सिख गुरु अपने दम पर अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। और आज के इस अवसर पर गुरु नानक देव जी का यह प्रकाश पर्व जो 554वां प्रकाश पर्व है, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही आया हूं कि हम सब मिलकर के अपने इतिहास से प्रेरणा लें, इतिहास के उन क्रूर और काले क्षणों से भी हम कुछ प्रेरणा लें जिन्होंने अत्याचार और बर्बरता की सारी पराकाष्ठा को पूरा कर दिया था। किस प्रकार से अत्याचार हुए थे, किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, लेकिन उन सब से मुक्त रहते हुए आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में जिस पूरी मजबूती के साथ रह करके अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये गुरुओं के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति हम सब की एक विनम्र श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि उनकी कृपा से, उनके त्याग और बलिदान से जो नींव पड़ी वह हम सबको चुनौतियों से जूझने के लिए निरंतर प्रेरित करती रही, आगे बढ़ाती रही। आज उसी का परिणाम है कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी के द्वारा रखी गई इस नींव को और मजबूती प्रदान करना हर सिख का और हर भारतीय का दायित्व है। हम निरंतर इस पर कार्य करें, जो भी उनकी शिक्षाएं हैं उसका अंतःकरण से पालन, तभी हमारी प्रगति होगी, इसी में राष्ट्र की समृद्धि भी होगी। और आज के अवसर पर इसी प्रेरणा को लेने के लिए मैं आसियाना गुरुद्वारे में आया हूं। मैं एक बार फिर से सबको कोट कोटि बधाई देता हूं, प्रकाश पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गुरु नानक देव जी की भक्ति और उनकी साधना हम सब की शक्ति का, राष्ट्र की समृद्धि का कारण बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।